क्वेश्चन हिस्ट्री। मैं हूं अफजल सबा और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डिक्लाइन ऑफ द मंगोल खानाज जिसे गोल्डन हॉर्ड के नाम से भी जाना जाता था, तकरीबन 200 साल तक रूस पर हुकूमत की, जो कि 13वीं सदी में शुरू हुआ था। मंगोलों ने इब्तदाई तौर पर अपनी ताकत के ज़रिए रूसी अवाम में खौफ डालकर रूस को पहले फतह किया, फिर उस पर कंट्रोल किया। ताहम उक्त गुजरने के साथ मंगोल खानियत अंदरूनी तनाज़ात और लड़ाइयों की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो गई। इसी वजूहत पर वो अपने वसी इलाके हुकूमत करने में नाकाम हो गए। रूसी शहजादे, जिन्हें बॉयर्स कहा जाता है, ने मंगोल की आज़ादी और अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मंगोल खानियत के जफाल को बैरूनी दबाव, जैसे लिथुनिया और ट्यूटोनिक नाइट्स जैसे पड़ोसी रियासत की बढ़ती हुई ताकत से भी खतरा था। बिलाखिर 13वीं सदी के वस्त में मंगोल खानात ने रूस पर अपनी गिरफ्त खो दी, जिसके नतीजे में एक नए रूसी हुक्मरान इवान III का उरूज, जिसे इवान द ग्रेट कहा जाता है, शुरू होता है।